ये हम यहाँ पे आने पर नए चीज़ तो फिर सीखे हैं। हमारे पास भी जाने के बाद मैं हमारे किसानों को बताऊंगा कि ये बनाना से कितना फ़ायदा है, और बनाना कल्टीवेशन को टिश्यू कल्चर में लेके माइक्रो इरिगेशन ड्रिप से लेके हज़ारों एकड़ तक, उसके बाद लाखों एकड़ तक रफ्ते रफ्ते आगे ले जाने के लिए मैं भी प्लान करूंगा। हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के तरफ से फार्मर्स को ट्रेनिंग देके, और मैं यहाँ से जाने के बाद, वापस जाने के बाद हमारे 4 MLAs जो है, मेरे साथ यहाँ 3 और बाकी 4 MLAs को बोल के, एक एक MLA के एरिया से एक बस बना के पहला शुरू में 5-6 बसेस मैं भेजूंगा, जलगांव को भेजूंगा। हम जो देखे वो पूरे चीज़ किसानों को दिखाने के लिए हमारे डिपार्टमेंट वालों को बोलूंगा। फिर महाराष्ट्र आने के बाद हमको मालूम पड़ा, मैं इससे पहले भी महाराष्ट्र आ चुका हूं, लेकिन उधर मुंबई उस तरफ आ चुका था। अभी मेरे साथियों के साथ इधर पहुंचा तो मुझे ये समझ में आया कि महाराष्ट्र में हमारे जैसी और भी अच्छाई, महाराष्ट्र के किसान बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं, मेहनती है महाराष्ट्र फार्मर्स। और दूसरी बात है कि यहाँ पे मोनोक्रॉप सिस्टम नहीं है। मैं आते इस वक्त रास्ते में हमारे पाटिल साहब बता रहे थे कि यही एक जलगांव डिस्ट्रिक्ट में ही 1,25,000 एकड़ बनाना है, बहुत बड़ी चीज़ है ये तो रेवोल्यूशन है, वो भी पूरे पूरा मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ड्रिप सिस्टम, प्लांट मटेरियल, पूरा टिश्यू कल्चर का प्लांट मटेरियल। अब जो आपके अध्यक्ष और जो सो AMC ये लोग रास्ते में मेरे को उनका बनाना खेत दिखा है मुझे, एकदम शानदार है, एकदम खूबसूरत है। दुनिया में और कहीं जगह जाके हम ढूंढने की जरूरत नहीं अच्छी चीज के लिए, वो हिंदुस्तान में ही है, हिंदुस्तान के किसान के हाथ में ही है। बस इतना ही है कि किसान को सरकार का सहारा चाहिए, किसान को नजरअंदाज से नहीं देखना चाहिए, किसान को इज्जत से देखना चाहिए। अगर ये काम चला हिंदुस्तान में तो किसान ही राजा रहेगा, किसान के बाद ही और कोई भी रहेगी। आधुनिक योजना के वजह से आज तेलंगाना ऐसा सुनहरा स्टेट बन गया कि 7-8 साल में हिंदुस्तान में बहुत से चीज़ों में तेलंगाना आगे चल के नंबर 1 जगह में ठहर गया। आज बिजली किसानों के लिए 24 घंटे बिजली देने वाला एक ही राज्य है, वो KCR का राज, तेलंगाना राज्य है। फ्री बिजली 24 घंटे, पूरा पूरा पानी इरिगेशन का, अपना जितना भी खेती के वास्ते पानी है पूरा पानी फ्री सप्लाई है। पानी सप्लाई के लिए कोई पैसा चार्ज करने का नहीं है हमारे पास, फ्री पानी पूरा। बड़ी और खूबसूरत चीज़ ये है, मैं यहाँ पे आने तक भी मुझे पता नहीं था, वाकई में जेन ड्रिप इरिगेशन वाले सिर्फ ड्रिप इरिगेशन की कंपनी है, उनको प्लास्टिक मटेरियल तैयार करते, ड्रिप मटेरियल का तैयार करते, दुनिया में देते, इतना ही जानकारी थी मुझे कि मैं आके देख के बहुत ही इम्प्रेस हुआ कि बीज से लेके जीरात तक, टिश्यू कल्चर से लेके प्लांट तक, प्लांट से लेके हार्वेस्ट तक, हार्वेस्ट होने के बाद फिर वो प्रोसेस करके एंड यूजर को फिर खाने तक जो है सो पूरी सुविधा सिस्टम डेवलप की। उन्होंने मैंगो प्रोसेसिंग प्लांट वर्ल्ड का बेस्ट प्लांट है, टिश्यू कल्चर से ये प्लांट्स जो तैयार कर रहे हैं, पोमोग्रेनेट, दानिमा, क्या बोलते हैं दानिमा का, हाँ, अलग अलग फ्रूट्स के टिश्यू कल्चर से जो बना रहे हैं, वो भी उनका लैबोरेटरी है, R&D और लैबोरेटरी दुनिया का नंबर 1 है।